यहाँ के सरपंच साहब त्रियायश जी और उनके साथ गणमान्य व्यक्ति हमारे विद्यालय में आज के मुख्य अतिथि के तौर पर पधार चुके हैं। हम तहे दिल से इनका स्वीकार किया और हमारे बच्चों को और हमारे विद्यालय को इस योग्य समझा कि अपना कुछ बहुमूल्य टीका लगाकर मौके देकर आदि उनका स्वागत हमारे विद्यालय प्रांगण में करें। मौसम बहुत ही हम कह सकते हैं सुहाना है, ठंडा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस देश और इस हमारे कार्यक्रम की शोभा यह बढ़ा रहा है इस मौसम में। मुख्य अतिथि जी का और प्राचार्य महोदय जी का हमारे विद्यालय में हमारे छात्राओं के द्वारा स्वागत होता हुआ मैं इसके बाद मैं प्राचार्य महोदय जी को निवेदन करूंगा कि उनको बुके देकर हमारे गेस्ट को यहाँ पर सम्मानित करें और उनका स्वागत करें, साथ ही उनके साथ पधारे हुए और गणमान्य व्यक्ति जो है उनका भी स्वागत हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, और भी जो भी हमारे अध्यापक जो है वो भी कुर्सियों पे बैठ जाएं। मैं कि देने के बाद ही हम उनको तहे दिल से उनका बहुत ही अभिनंदन और उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने इस दिन के लिए हमें ऐसा बनाया कि हम यहाँ पर आज खुले आकाश में खड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा प्राचार्य महोदय जी से और हमारे मेहमान जी का कि स्टेज पर आए और यहाँ पर माँ सरस्वती जी का वंदना और पुष्पांजलि देकर उनका दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सर प्लीज। Yes, जी। हमारे मुख्य अतिथि जी के और प्रस्थान करता हुआ और यहीं से परेड के लिए श्रीमान जी जवान नवोदय विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। विद्यालय की छात्रों की मार्गदर्शन का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि सवर्ण में भी हमारे शहीदों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, आजादी प्राप्त की और आज हमारे लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का सरपंच साहब का कि फ्लैग होस्टिंग करें और साथ ही राष्ट्रगान चालू होगा।
करते हुए आगे विद्यालय कैप्टन गौरव और उसके पीछे ग्रुप है स्काउट एंड गाइड्स जो कि अपने आप में सेवा भाव की भावना रखते हैं। विद्यालय की स्काउट एंड गाइड्स ग्रुप सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे है अरावली अरावली का ग्रुप अरावली बॉयज परेड करते हुए और उसके पीछे है नीलगिरी हाउस के छात्र भी कदम से कदम मिलाकर मंच के सामने से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाए। शिवालिक बॉयज हाउस उसके पीछे है जूनियर और सीनियर हाउस दोनों एक साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ शिवालिक बॉयज हॉस्टल और उसके बाद बॉयज की अंतिम टुकड़ी उदयगिरी हाउस मंच की ओर से मंच के सामने से गुजरता हुआ और हमारे मुख्य अतिथि को सलामी देता हुआ उदयगिरी बॉयज छात्रों के इस मार्च पास के बाद अब टुकड़ियां प्रस्थान कर रही हैं। विद्यालय की छात्राएं अरावली नीलगिरी गर्ल्स छात्राओं का ट्रुप अरावली ट्रुप मंच के सामने से परेड की सलामी देता हुआ उसके बाद है नीलगिरी हाउस की गर्ल्स सीनियर जूनियर गर्ल्स भी एक साथ मंच पे आए हुए हमारे मेहमानों का प्रचार जी को सलामी देता हुआ शिवालिक हॉस्टल शिवालिक गर्ल्स का ग्रुप है उसके बाद शिवालिक के बाद है उदयगिरी गर्ल्स हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात लगभग बराबर सा है और ये दर्शाता है कि आज छात्राएं हमारे छात्रों से किसी भी रूप में कम नहीं है। परेड के निरीक्षण के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे प्राचार्य जी को और अतिथि जी को कि अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय विद्यालय के प्राचार्य जी विद्यालय के शिक्षकगण विद्वान शिक्षकगण परिवार के सदस्य और प्यारे बच्चों आप सबों को मैं सबसे पहले 74वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं बधाई देता हूं। आज इस खुली आसमान के नीचे जो हमारा यह तिरंगा शान से लहरा रहा है आज वो दिन है चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो ये वो दिन है जब हम अपने शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी कुर्बानी दी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया आज उनको याद करने का दिन है उनके बलिदान को याद करने का दिन है कि किस तरह एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद हमने यह आसमान में अपना ध्वज लहराया और हमने 1947 में 15 अगस्त को आजादी प्राप्त की। यद्यपि आजादी तो हमें 1947 में मिली थी लेकिन गणतंत्र जो भारत गणतंत्र घोषित हुआ वह 26 जनवरी था 1950। तो डोमिनियन स्टेट एक का स्टेटस देंगे जिसमें शासन तो अंग्रेज का रहेगा शासन तो ब्रिटिश क्राउन की होगी लेकिन आप उसमें भागीदारी बन सकते हैं। बाद में दुर्गा भाभी जो कि बटुकेश्वर नाथ की पत्नी थी जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर लाहौर से कलकत्ता आती आ रही थी ट्रेन में तो लगभग 3 दिनों का समय लगा था और ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकती थी हजारों के संख्या में लोग भाव भीनी श्रद्धांजलि और लोगों में एक जज्बात था एक जुनून था कि नहीं हम अब अंग्रेजों के अत्याचार को नहीं सहेंगे और अब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए
हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए और इसे हम लेकर रहेंगे। और यही कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर शहर आज भी लाहौर याद करता होगा, जिस जगह पे आपने स्वतंत्रता की संकल्प लिया था। आजाद तो आप हो गए लेकिन मुझे छोड़ दिया, आजाद तो आप हो गए लेकिन लाहौर को आप भूल गए।